हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में हम आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये सब स्टेप्स हम देखने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो वो भी लेक्चर्स आप देख लो, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन भी आपको आना चाहिए, उसके साथ साथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और फिर आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ आपको जो लेक्चर है ये स्टार्टिंग टू एंड देखना है, ठीक है, तो सारे डाउट सबके क्लियर हो जाएंगे। तो शौर्य 1.0 बैच एंड्रॉइड ऐप के अंदर लॉन्च हो चुकी है, जिसको अभी 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको 999 रुपीज में, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। इसके साथ साथ इसके अंदर 7 दिन का एंटायर रिफंड गारंटी भी है। तो 7 to 10 डेज में अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो एंटायर रिफंड आपको दिया जाएगा। डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक अपने एंड्रॉइड ऐप वाली जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर्स पे आप हमको टेक्स्ट व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो लेक्चर। इससे रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, तो अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी बच्चे जुड़े हुए हैं और ये जो कोर्स है इसके अंदर अभी लगभग 920 स्टूडेंट जो है ये एनरोल हो चुके हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कोर्स ऐसा मिलेगा आपको कि जो 12,000 या 15,000 रुपए ले रहा है उससे तो मतलब कहीं गुना अच्छा ये कोर्स है, इसलिए मैं रिफंड गारंटी भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं कोर्स ज्वाइन करने का। अभी हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो स्टार्टिंग विद आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रोमोटर सीक्वेंस। अभी आरएनए पॉलीमरेज 3 के अंदर आपको 3 प्रोमोटर्स पढ़ने हैं। टाइप 1 विच इज नोन एज इंटरनल प्रोमोटर, टाइप 2 वो भी आपका इंटरनल प्रोमोटर होता है, और टाइप 3 जो है वो आपका एक्सटर्नल प्रोमोटर होता है। टाइप 1 विच इज इंटरनल प्रोमोटर, इसका एग्जाम्पल है आपका 5SRRNA जीन। तो जब आपका 5SRRNA जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन चलेगा तो ये जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 का टाइप 1 प्रोमोटर इस्तेमाल किया जाएगा बाय आरएनए पॉलीमरेज 3 एंड अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स। इसके अंदर आपको समझना है कि किस तरीके से ये एलिमेंट है, ये हम समझेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बॉक्स ए है, आई ई है विच इज नोन एज इंटरमीडिएट एलिमेंट, और फिर है बॉक्स सी। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बॉक्स ए विच इज लोकेटेड बिटवीन 50 एंड प्लस 60, इसका मतलब ये आपका जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है +1, जहां से आपका पहला न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होता है उसके ये डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि +1 अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये है कि +1 के बाद आपके ये जीन्स हो गए, इतना जो हिस्सा होगा ये आपका जीन वाला होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो प्रोमोटर यहाँ पे लाई कर रहा है इट इज बिटवीन द जीन, इसीलिए नाम दिया गया है इंटरनल, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 के जो हमने प्रोमोटर्स देखे थे वो हमको देखने को मिला था कि भाई वो +1 के पहले होता है, जैसे कि आपका टाटा एलिमेंट जो होता है इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एट -30 पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो भाई +1 के बाद में आ रहा है, इसका मतलब +1 के बाद में तो जीन का सीक्वेंस होता है और जीन के सीक्वेंस के बीच में ही अपने प्रोमोटर डाल दिया, ऐसे प्रोमोटर को हम बोलेंगे इंटरनल प्रोमोटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स ए है विच इज लोकेटेड बिटवीन +50 एंड +60, उसके बाद में आपका इंटरमीडिएट एलिमेंट है IE विच इज लोकेटेड बिटवीन +67 एंड +72, और सबसे लास्ट में है आपका बॉक्स सी विच इज लोकेटेड बिटवीन +80 एंड +90, ठीक है। ये बॉक्स ए, IE एंड बॉक्स सी, इनको हम बोलेंगे 5S इंटरनल कंट्रोल रीजन, तो इसको ये भी बोला जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज ICR। और देखने को मिला है कि बॉक्स ए और बॉक्स सी के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो वेरी करेगा, वो क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है, समझ में आपको। तो बॉक्स ए और बॉक्स सी के बीच में जो डिस्टेंस है ये फिक्स नहीं है, इसीलिए आपको अलग अलग डिस्टेंसेस भी देखने को मिलते हैं कई सारे बुक्स में, लेकिन ये जो डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है ये बहुत सारे रेफरेंस बुक्स और आपके रिसर्च पेपर को यूज करके मैंने ये इंफॉर्मेशन दी है।
पहली बात, रेफरेंस बुक्स में तो इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, तो इसके लिए मुझे रिसर्च पेपर्स भी रेफर करने पड़े, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन बॉक्स एंड बॉक्स ही विल TF3A binds downstream to the start set in conjunction with type 3 TF3C। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A ये बाइंड कर रहा है डाउनस्ट्रीम ऑफ स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट कौन सा है आपका? प्लस वन। तो हमने ये बहुत बार डिस्कस किया कि कोई पॉइंट अगर हमें रेफरेंस पॉइंट मानू और उसके अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो उसको मैं डाउनस्ट्रीम बोलूंगा। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है आपका प्लस वन, उसके अगर मैं राइट साइड की बात करूंगा तो वो हो जाएगा आपका डाउनस्ट्रीम। और अगर ये रेफरेंस पॉइंट है आपका प्लस वन, इसके अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो वो सिक्वेंसेस हो जाएगी आपके अपस्ट्रीम वाले, ठीक है। तो अगर मैं प्लस वन के राइट साइड वाले की बात कर रहा हूं तो आपके एलिमेंट जो है आपके बॉक्स ए आई ई एंड बॉक्स सी, वी कैन से दैट बॉक्स ए आई ई एंड बॉक्स सी आर प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम ऑफ प्लस वन स्टार्ट साइड, ठीक है। तो TF3A जो है ये बाइंड करेगा डाउनस्ट्रीम ऑफ स्टार्ट पॉइंट। तो TF3A सबसे पहले बाइंड करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इट विल बाइंड फर्स्ट टू द डाउनस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट। और ये बाइंड तो करेगा, लेकिन देखने को मिलता है कि TF3A जो है ये TF3C के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करेगा। फिर आपका आता है TF3C बाइंड सेकेंड, ओके, और फिर आपका TF3C जो है ये TF3B को रिक्रूट करेगा बाइंड थर्ड। TF3B को हम पोजीशनिंग फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि देखने को मिलता है कि जब आपका TF3B बाइंड करता है ये रिक्रूट करेगा RNA पॉलीमरेज 3 को, और ये पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा RNA पॉलीमरेज 3 को कि उसको पता चले कि मुझे बाइंड कहाँ पे करना है। तो RNA पॉलीमरेज 3 को ये इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करेगा? TF3B। वो RNA पॉलीमरेज 3 को बताएगा कि भाई आपको यहाँ पे बाइंड करना है और इनिशिएट करना है ट्रांसक्रिप्शन। That's why TF3B is known as positioning factor. तो TF3B bind करता है start point पे, that is plus one site पे। इसके बाद वाली step, TF3B जो है ये recruit करेगा RNA polymerase 3 को। और ऐसा भी question पूछ सकते हैं कि अगर RNA polymerase 3 तो recruit हो गया, लेकिन आपका promoter melting कौन से box पे start होगा? तो आपका box C जो है वहां से आपका प्रोमोटर मेल्टिंग स्टार्ट होता है। और क्या दिया ब्रैकेट में? TF3A binds to A box, ठीक है। तो सबसे पहले TF3A आया, उसने A box पे बाइंड किया, और फिर आपका TF3C आया, ये C box पे बाइंड करेगा, फिर आपका TF3C जो है ये TF3B को रिक्रूट करेगा। तो तीन नंबर पे कौन आएगा? TF3B। और TF3B किसको रिक्रूट करेगा? RNA polymerase 3 को। और RNA polymerase 3 को स्टार्ट पॉइंट पे, दैट इज प्लस वन साइड पे बुलाया जाएगा। RNA polymerase 3 कैन अनवाइंड द सेक्शन ऑफ प्रोमोटर DNA। तो ये हमको पता है कि ये अनवाइंड करेगा प्रोमोटर DNA सीक्वेंस को। तो प्रोमोटर मेल्टिंग कहां पे स्टार्ट होगा? बॉक्स सी पे, ठीक है। ये है आपका इंटरनल प्रोमोटर टाइप 1। और दिया है टाइप 3A इज अ 5S सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग फैक्टर दैट बाइंड्स टू द प्रोमोटर एंड टू द 5S RRNA as a chaperone and gene regulator। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, इसमें एक्सप्लेनेशन वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। TF3A and TF3C are assembly factors which recruits positioning factor TF3B। तो positioning factor हम TF3B को बोलते हैं, और TF3A और TF3C ये assembly factors होते हैं, ठीक है। ये assemble करने का काम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले A आ रहा था, वो A box पे bind कर रहा था, फिर आपका TF3C आ रहा था, वो C बॉक्स पे बाइंड कर रहा था। तो इन्होंने किसको रिक्रूट किया? TF3B को। तो असेंबली करने के लिए पहले तो TF3A और TF3C आ रहे हैं, और फिर TF3B को बुलाया जा रहा है, और TF3B पोजीशनिंग फैक्टर है, इसलिए वो आपका RNA पॉलीमरेज 3 को बुलाएगा। वंस TF3B, TF3A एंड TF3C आर रिलीज्ड। अभी असेंबली फैक्टर है TF3A और TF3C, उन्होंने बुलाया किसको? TF3B को। उनका काम इतना ही था।
ये काम होने के बाद जैसे ही आपका TF3B बाइंड करेगा, TF3A और TF3C रिलीज हो जाएगा और आपका RNA पॉलीमरेज 3 जो है ये बाइंड करेगा प्रोमोटर पे। अभी हम बात करेंगे टाइप 2 इंटरनल प्रोमोटर के बारे में, जो कि आपका जो tRNA का जीन है, शॉर्ट इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट है, फिर आपका 7SL जीन है, इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए जो RNA पॉलीमरेज 3 प्रोमोटर का इस्तेमाल करता है उसको हम बोलेंगे टाइप 2 इंटरनल प्रोमोटर। इसका सीक्वेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बॉक्स ए और बॉक्स बी प्रेजेंट होगा। टाइप 1 में कौन था? बॉक्स ए एंड बॉक्स सी। इसमें बॉक्स ए एंड बॉक्स बी विल बी प्रेजेंट। डिस्टेंस बिटवीन देम वेरी जस्ट लाइक बॉक्स ए एंड बॉक्स सी इन टाइप 1 प्रोमोटर। इसके अंदर भी बॉक्स ए और बॉक्स बी के बीच में फिक्स डिस्टेंस नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बॉक्स ए और बॉक्स बी के बीच में ये फिक्स डिस्टेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस चल रहा है +22 और +55 के बीच वाला, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये डिस्टेंस वेरी कर सकता है। TF3C binds downstream of the start site। तो अगर मैं स्टार्ट साइट यहाँ पे दिखाया हूं तो इसका डाउनस्ट्रीम मतलब राइट साइड, तो वही तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि TF3C जो है ये +1 के राइट साइड पे बाइंड कर रहा है विदाउट रिक्वायरिंग TF3A अनलाइक टाइप 1 प्रोमोटर। टाइप 1 में क्या हो रहा था? पहले TF3A आ रहा था, यहां पे क्या हो रहा है TF3A है ही नहीं, यहां पे डायरेक्टली TF3C बाइंड करेगा, तो TF3C इज बाइंडिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट द नीड ऑफ TF3A। ठीक है, TF3C बाइंड टू बोथ बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, समझ में आपको, ये दोनों बॉक्स ए और बॉक्स बी पे बाइंड करेगा। ठीक है, दिस इनेबल्स TF3B पोजिशनिंग फैक्टर टू बाइंड एट द स्टार्ट पॉइंट। यहां पे भी फिर आपका सबसे पहले कौन बाइंड करेगा? TF3C। ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, तो इसने पहले बाइंड किया, बाइंड फर्स्ट, फिर उसके बाद में TF3C ने रिक्रूट किया TF3B को, ये सेकेंड नंबर पे बाइंड करेगा। और याद रखना कि भाई जब पोजिशनिंग फैक्टर आ जाए, ये पोजीशनिंग फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज 3 को ही बुलाएगा, रिक्रूट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो स्टेप होगा इट विल बी रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 बाय TF3B पोजीशनिंग फैक्टर। ये पोजीशनिंग फैक्टर अभी आरएनए पॉलीमरेज 3 को ज्ञान देगा कि भाई आपको यहाँ पे बाइंड करना है ताकि ट्रांसक्रिप्शन ठीक तरीके से स्टार्ट हो। तो पोजीशनिंग इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? TF3B। प्रोकैरियोट्स में हम क्या देखते थे कि भाई सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को कि आपको बाइंड कहाँ पे करना है, कि ये आपका प्रोमोटर एलिमेंट है और आपके ये बाकी के जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट है, तो आपको आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है कि भाई मेरा एलिमेंट ये है और दूसरे एलिमेंट दूसरे है यहाँ पे, तो सिग्मा फैक्टर एब्सेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो इन्फॉर्मेशन कौन देगा इसके अंदर? अभी TF3B नाम का पोजिशनिंग फैक्टर। तो आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोमोटर एलिमेंट एंड अदर सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 रिक्रूट किया गया और प्रोमोटर मेल्टिंग जो है ये बॉक्स बी पे स्टार्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस केस में आपका जो प्रोमोटर मेल्टिंग था वो कहां पे स्टार्ट हुआ था? बॉक्स सी पे। अभी हम बात करेंगे टाइप 3 प्रोमोटर के बारे में, ये भी बहुत इजी है तो टेंशन नहीं लेना, को सिर्फ स्टार्टिंग टू एंड देखना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। टाइप 3 इज एक्सटर्नल प्रोमोटर। यहाँ पे अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई +1 है, +1 के बाद में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जीन सीक्वेंस होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बाद आपका जीन सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बॉक्स ए और बॉक्स बी जो आपके प्रोमोटर एलिमेंट है इट इज बिटवीन योर जीन सीक्वेंस। तो आपका प्रोमोटर बिटवीन जीन सीक्वेंस है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल प्रोमोटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो प्रोमोटर है वो कहाँ पे है? +1 साइड के लेफ्ट साइड पे। तो आपका जो जीन वाला जो रीजन होता है वो तो यहां से स्टार्ट होगा, कोडिंग रीजन। तो अगर मेरा प्रोमोटर एलिमेंट जीन के सीक्वेंस के बीच में होगा या फिर +1 साइड के राइट साइड होगा तो मैं उसको बोलूंगा इंटरनल प्रोमोटर,
और अगर प्लस वन साइड के लेफ्ट साइड पे मेरा प्रोमोटर एलिमेंट होगा तो मैं उसको बोलूंगा एक्सटर्नल प्रोमोटर, या फिर जीन के सीक्वेंस के बीच में अगर प्रोमोटर नहीं हुआ तो मैं उसको बोलूंगा एक्सटर्नल प्रोमोटर। तो यहाँ पे देखो जीन प्लस वन के बाद है और आपके बाकी के सारे प्रोमोटर के एलिमेंट्स जीन के पहले है लेफ्ट साइड पे, तो ऐसे प्रोमोटर को हम बोलेंगे एक्सटर्नल प्रोमोटर। यू सिक्स एस एन आर एन ए, सेवन एस के एस एन आर एन ए, इनके जो जीन्स है तो ये जो ट्रांसक्राइब किया जाएगा बाय आरएनए पॉलीमरेज 3, इट विल यूज टाइप 3 एज द प्रोमोटर टू ट्रांसक्राइब दिस पर्टिकुलर जीन्स। 7S के एसएनआरएनए हमने ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन स्टेप में देखा था इन यूकेरियोट्स, तो हेक्सिम प्रोटीन्स ये सब आपको अभी याद आ रहा होगा, तो वो उसके अंदर कवर किया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर भी आप देख लो। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स है इसके अंदर। अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट है स्टाटा एलिमेंट, तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 की तरह कुछ देखने को मिल रहा है आपको कि डाटा एलिमेंट जो है व्हिच इज लोकेटेड 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड। स्टार्ट साइड है प्लस वन, अपस्ट्रीम मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो प्लस वन के लेफ्ट साइड है आपका टाटा एलिमेंट विच इज लोकेटेड एट 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, दैट इज प्लस वन। तो इसको हम बोलेंगे माइनस 30 पोजिशन पे आपका टाटा एलिमेंट प्रेजेंट है, जस्ट लाइक वट वी हैव स्टडीड इन आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। तो ये भी माइनस 30 पोजिशन पे है। यहाँ पे TF3B जो है इसके पास कॉम्पोनेंट होता है TBP का, ठीक है। तो ये आपका TF3B जो है, चाहे वो टाइप 1 के अंदर हो, टाइप 2 के अंदर हो, टाइप 3 के अंदर हो, सारे जगह पे जो ये आपका TF3B पोजिशनिंग फैक्टर बाइंड कर रहा है इसके साथ आपके कुछ कॉम्पोनेंट्स है, जैसे कि BDP हो गया, TBP हो गया, BRF2 हो गया, ठीक है। अभी टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर TF3B के साथ कौन आ रहा था, BRF1, यहाँ पे भी BRF1 था, लेकिन यहाँ पे अभी BRF2 आएगा। और टाइप 1 और टाइप 2 में आप देख सकते हो टाटा एलिमेंट नहीं था, तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कहीं पे बाइंड नहीं कर रहा था डीएनए पे, ठीक है, क्योंकि टाटा एलिमेंट नहीं था टाइप 2 के प्रोमोटर के अंदर एज वेल एज इन टाइप 1 प्रोमोटर के अंदर। तो आप देख सकते हो TBP जो है ये कोई टाटा एलिमेंट पे बाइंड नहीं करता है। और ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि TF3B का कौन सा कॉम्पोनेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 को रिक्रूट करेगा, तो आप बोलोगे भाई BRF1 करेगा इन द केस ऑफ टाइप 1 प्रोमोटर। इन द केस ऑफ टाइप 2 प्रोमोटर TF3B का BRF1 कंपोनेंट अगेन विल रिक्रूट आरएनए पॉलीमरेज 3, वेयर एज इन द केस ऑफ टाइप 3 एक्सटर्नल प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज 3 विल बी रिक्रूटेड बाय BRF2 कंपोनेंट ऑफ TF3B। समझ में आपको, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अभी TF3B के पास TBP वाला कंपोनेंट भी है व्हिच इज नोन एज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये स्पेसिफिकली आपका सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो कि सिर्फ टाटा डीएनए के एलिमेंट पे बाइंड करेगा। तो यहाँ पे है टाटा डीएनए का एलिमेंट, तो टीबीपी आपका बाइंड किया टाटा एलिमेंट के साथ। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनहांसर, दैट इज PSE एंड ऑक्ट, ठीक है। ऑक्ट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर 8 बेस पेयर का बाइंडिंग सीक्वेंस है, इसलिए 8 से ऑक्ट नाम आ गया है। तो PSE जो है इसको हम बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट। तो पास वाले को हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं और दूर वाले को हम डिस्टल बोलते हैं, तो DSE जो है ये हो जाएगा आपका डिजिटल सीक्वेंस एलिमेंट। डिजिटल सीक्वेंस एलिमेंट PSE वाला जो साइट है या एलिमेंट है, इट इज लोकेटेड बिटवीन -50 एंड -60, एंड डिजिटल सीक्वेंस एलिमेंट इज लोकेटेड बिटवीन -210 एंड -240, ठीक है। तो पास वाले को हम प्रॉक्सिमल एलिमेंट बोलेंगे, दूर वाले को हम डिजिटल एलिमेंट बोलेंगे। अभी आगे देखते हैं, एक और बात आपको समझनी है कि ये कंपलसरी नहीं है कि भाई PSE होना ही चाहिए, DSE ये भी होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के लिए, ऐसा नहीं है। मेन जो होता है आपका वो टाटा एलिमेंट होता है इन दिस केस,
सारे अलग अलग जो जीन्स के प्रोमोटर होते हैं उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे हमने आरएनए पॉलीमरेज 2 के प्रोमोटर के अंदर पढ़ा था कि कंपलसरी नहीं होना चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स। वहां पे हमने पढ़ा था कि किसी प्रोमोटर के अंदर INR प्रेजेंट है तो किसी में वो एबसेंट है, और अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपके प्रोमोटर के एलिमेंट्स आते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, लेकिन कोर प्रोमोटर कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पे भी टाटा एलिमेंट कंपलसरी होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। वेरैज अगर मैं PSE और DSE को गायब कर दूं फिर भी आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे SNAP-C। SNAP-C का फुल फॉर्म है SNRNA एक्टिवेटिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे @PSE होना चाहिए। PSE पे आपका SNAP-C कॉम्प्लेक्स जो है ये बाइंड करेगा, और DSE पे आपका OCT1 बाइंड करता है इस तरीके से। ठीक है, तो SNAP-C जब OCT1 के साथ में बाइंड कर जाएगा, SNAP-C विच इज प्रेजेंट एट PSE विल बाइंड विद OCT1 विच इज प्रेजेंट एट DSE। OCT1 और SNAP-C के बाइंडिंग की वजह से OCT1 विल हेल्प, ये हेल्पर की तरह काम करेगा OCT1, चाहे वो OCT1 हो या स्टेफ हो, ये दोनों हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन द असेंबली ऑफ सब यूनिट्स ऑफ SNAP-C। SNAP-C जो है ये मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे सब यूनिट से बना हुआ है। तो DSE पे जो आपका OCT1 होता है और स्टेफ होता है, ये दोनों क्या करेंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे विथ योर SNAP-C एंड दे विल स्टिमुलेट द असेंबली ऑफ सब यूनिट ऑफ SNAP-C। फिर आपका जो SNAP-C है इस तरीके से इसके ऊपर जो सब यूनिट्स लग जाएंगे तो ये SNAP-C आपका रिक्रूट करेगा किसको, RNA पॉलीमरेज 3 को। दिस SNAP-C विल नाउ रिक्रूट TF3, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। SNAP-C जो है ये रिक्रूट करेगा RNA पॉलीमरेज 3 को, तो ये एरो जो है ये बाद में दिखाना चाहिए आप इस तरीके, SNAP-C विल रिक्रूट RNA पॉलीमरेज 3। ठीक है, समझ में आई है, तो इजी है। अगेन सिर्फ फैक्टर्स अलग अलग है तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और दिसंबर 2019 से ये आपको देखने को मिला होगा कि भाई क्वेश्चंस आते हैं RNA पॉलीमरेज 1 और RNA पॉलीमरेज 3 से। अभी आपका सारा वो जो टेंशन था, झंझट था कि भाई क्वेश्चन अगर आ गया, हमने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, चाहे आप बेंजामिन लेविन पढ़ लो, वेबर बुक पढ़ लो, लॉडिश पढ़ लो, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रेफरेंस बुक में इतने डिटेल्ड टॉपिक्स के अंदर, और इसके साथ साथ इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट जो है इसके अंदर बहुत रिसर्च पेपर आपको ढूंढने पड़ेंगे, फिर उसमें भी आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, कॉमनली पूछे जा सकते हैं। वरना इसके अलावा तो भाई बहुत सेवरल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स संभालने के लिए, तो वो हम सारा याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो कॉमन प्रोटीन जो है वो पढ़ने होते हैं हमको। ठीक है, अभी इसके सराउंडिंग जो होगा SNAP-C के सराउंडिंग बहुत प्रोटीन्स हो गए, ये स्टेफ OCT1 भी बहुत सारे एलिमेंट्स और प्रोटीन्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, या फिर अलग अलग लाइफ साइंस के जितने भी सब्जेक्ट से बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, हम सारे A to Z नहीं पढ़ सकते और वो हम डायग्राम में भी नहीं दिखा सकते। तो कॉमनली आस्क्ड प्रोटीन्स ही आपको पढ़ने होते हैं और फैक्टर्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टर्मिनेशन। यहाँ पे तो सिंपल है भाई, अभी जो आपका RNA पॉलीमरेज 3 रिक्रूट हो चुका है, तो वो कब तक रिक्रूट होगा, कब तक रिक्रूट होगा, जब तक आपका टर्मिनेशन फैक्टर वो एनकाउंटर नहीं करता। ठीक है, तो आपका जो RNA पॉलीमरेज है ये तो आगे चल पड़ेगा प्लस वन साइड से, फिर आप ये धीरे 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 आपका ट्रांसक्राइब करते जाएगा, जब तक आपका कोडिंग सिक्वेंस, जीन का सिक्वेंस जो है ये होगा और टर्मिनेशन सिग्नल नहीं आ जाता तब तक ये ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है, तो इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको नहीं पढ़ना है RNA पॉलीमरेज 3 के अंदर, और ना ही डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे इसके अंदर देखने को मिली, और अगर दी है तो मतलब वो इतना इनडेप्थ दिया हुआ है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इलोंगेशन के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि इलोंगेशन स्टेप जो है ये सेम ही होते हैं, और थोड़े बहुत जो
कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इलोंगेशन के अंदर, वो अगर हुआ तो मैं वो जनरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आरएनए पॉलीमरेज वन के अंदर कुछ इलोंगेशन कॉम्प्लेक्सेस थे जैसे कि TF2F और आपका TF2S लाइक कॉम्पोनेंट, TF2F लाइक कॉम्पोनेंट और TF2S था। तो ऐसे कॉम्पोनेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं यूजुअली, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। तो आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 तब तक ट्रांसक्राइब करेगा जब तक टर्मिनेशन सीक्वेंस ना आ जाए। आरएनए पॉलीमरेज 3 अलोंग विद कॉम्प्लेक्स C37, C53 एंड C11। अब ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 अलोंग विद दिस कॉम्प्लेक्स विल एनकाउंटर टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां से इस तरीके से आपका आरएनए 15 था, ये 5' होगा और ये यहाँ पे 3' होगा, ठीक है, क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है भाई वो 5' होता है और जहां पे एंड होगा वो 3' होगा। और हमको ये भी पता है कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके अंदर 3' to 5' इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो 5' to 3' ओरिएंटेशन वाला होता है, किसका, डीएनए का। उसके अंदर आपको TTTT बहुत सारे थाइमिन्स के सीक्वेंस देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ जीन। अगर ये नॉन टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री में अगर करूं तो 3' to 5' आएगा। 3' to 5' है आपका टेम्पलेट स्टैंड जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, लोअर स्टैंड 3' to 5', दिस इज योर टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए। यही टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री आपका आरएनए बनता है, यही टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री आपका आरएनए बनेगा। तो ये है आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, रेड वाला। तो नॉन टेम्पलेट स्टैंड पे थाइमिन्स थे, 5' to 3' स्टैंड पे थाइमिन था। तो 3' to 5' आपका जो टेम्पलेट डीएनए स्टैंड होगा उसके अंदर क्या होगा, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री विच इज एडेनिन एज शोन इन द डायग्राम। तो ये एडेनिन को और थाइमिन को विच इज योर टर्मिनेटर सिक्वेंस विल बी रिकॉग्नाइज बाय योर कॉम्प्लेक्स C37, C53 एंड C11, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, तो ये कॉम्प्लेक्स ने रिकॉग्नाइज किया। अभी देखने को ये मिला है कि ये कुछ नंबर के स्पेसिफिक ये चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि अभी थायमिन जो यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर के डायग्राम में आप देखो PTC लिखा हुआ है। तो पहले तो ये देख लेते हैं आपको दिख रहा है या नहीं। ठीक है, तो सेकेंड वाले डायग्राम में देखो C37 और आपका C53 जो है, ये दोनों ये रिकॉग्नाइज करते हैं थाइमिन नंबर 3 और थाइमिन नंबर 4। मेरा टर्मिनेशन सीक्वेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो पहला थाइमिन जो है आपका वो है T1, तो T1 T2 को ये छोड़ देगा और T3 T4 जो है थाइमिन थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाले, ये रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं किसके, C37 और C53 के इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। C11 इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो सिर्फ जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो 3 नंबर वाला थाइमिन और 4th नंबर वाला थाइमिन किसने रिकॉग्नाइज किया, C37 एंड C53। तो जाहिर सी बात है अगर ऊपर थाइमिन है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में आपका एडेनिन होगा, और जब ये पहले 4 एडेनिन जब ट्रांसक्राइब हो जाएंगे बाय आरएनए पॉलीमरेज 3 वी विल गेट 4 यूरासिल्स इन आरएनए। और आपका बाद वाला जो स्टेप होगा इट विल बी रिकॉग्निशन ऑफ T5। तो 3 और 4 तो रिकॉग्नाइज कर लिया था, अभी T5 को रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस विल लीड टू स्विचिंग ऑफ PTC टू ट्रांसक्रिप्ट रिलीज मोड, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट रिलीज मोड पे हम पहुंच गए, इसके अंदर T5 को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय C37 एंड C53। फिर उसके बाद में आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहां पे भाई एक बात एक और है, हालांकि इतना इनडेप्थ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक और बात है कि ये T5 जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय C37 ओनली एंड C37 भी
C37 का सी टर्मिनल डोमेन जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा आपका T5। तो C37 अगर प्रोटीन है तो इसका एंड टर्मिनल यहाँ पे होता है और सी टर्मिनल यहाँ पे होगा, तो C37 प्रोटीन का सी टर्मिनल से रिकॉग्निशन चलेगा T5 का, इसके अंदर C53 रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, समझ में आया। फिर उसके बाद आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है ये रिलीज मोड पे आ जाएगा और आपका ट्रांसक्रिप्ट रिलीज हो जाएगा इस तरीके से, बहुत सारे यूरासिल रेसिड्यूज देखने को मिल रहे हैं आपको। C11 क्या करेगा फिर, इट विल मीडिएट द क्लीवेज ऑफ नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट, तो ये क्लीवेज करने का काम करता है इसका, और फिर आपका नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट विल बी रिलीज्ड, समझ में आपको, ठीक है। तो और कुछ पॉइंट्स दिए हुए जो हम अभी हमने डिस्कस किया था ये वही है, तो आपके नोट्स हो जाए इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए। क्या दिया है, C11 फंक्शंस एज क्लीवेज स्टिम्युलेशन फैक्टर, तो जो मैं बोल रहा था आपको कि C11 कट कर रहा है नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट को, तो वो इसलिए कट करता है क्योंकि दिस इज बिहेविंग एज क्लीवेज स्टिम्युलेशन फैक्टर फॉर RNA polymerase 3। तो पूछा जा सकता है कि C11 फिर आपका कौन था 37 53 में से आपका क्लीवेज स्टिम्युलेशन फैक्टर कौन है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये प्रोमोट करेगा क्लीवेज ऑफ द नेसेंट RNA ट्रांसक्रिप्ट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन स्पेसिफिक सिग्नल, जैसे ही आपका कोई स्पेसिफिक टर्मिनेशन सिग्नल ट्रांसक्राइब किया जाए, देन योर C11 C37 C53 कॉम्प्लेक्स विल कम एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन और टर्मिनेशन सिग्नल इंडिकेट क्या करता है कि भाई अभी ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है और हमको ट्रांसक्रिप्ट को सेपरेट कर लेना है फ्रॉम DNA ताकि आपका RNA ट्रांसक्रिप्ट अलग हो जाए। अपॉन रिकॉग्निशन ऑफ द टर्मिनेशन सिग्नल C11 विल फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ द नेसेंट RNA ट्रांसक्रिप्ट, भी हमने देख लिया। ये क्यों होता है, दिस क्लीवेज इज अ क्रिटिकल स्टेप इन टर्मिनेटिंग ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पॉलीमरेज 3, इट अलाउज द रिलीज ऑफ RNA मॉलिक्यूल फ्रॉम DNA, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट डिसोसिएशन ऑफ द पॉलीमरेज फ्रॉम DNA टेम्पलेट। भाई जब RNA को आप निकाल दोगे तो RNA पॉलीमरेज के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है और RNA पॉलीमरेज DNA से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। C11 ensures that transcription termination occur efficiently and accurately by coordinating with other components, that is C37 or C53. This helps prevent read-through transcription and ensure proper termination and specific sites on the DNA. तो सब systematically way में चीजें चल रही है, जैसे कि पहले 37 और 53 जो है ये T3 T4 को recognize करते थे, फिर आपका PTC से आपका transcript release mode पे वो आ गया। ट्रांसक्रिप्ट रिलीज मोड पे आपका सिर्फ C37 का जो सी टर्मिनल डोमेन होगा वो रिकॉग्नाइज करेगा T5 को ऑन नॉन टेम्पलेट स्टैंड ऑफ DNA। उसके बाद में रिलीज मोड पे है तो आपका जो RNA ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा वो आपका रिलीज हो जाएगा, देन यूर C11 विल कम और ये आपका नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट को क्लीव करता है एट स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिकली मैनर में चल रहा है ताकि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो, ठीक है। अगर मैं C11 को बाइंड ना कराऊ तो एक स्टेप आपका प्रूफ रीडिंग वाला कम हो जाता है, ठीक है। अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो फिर डबल चांस है कि वो चेक करे कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो रहा है या नहीं, बस इतना इसका काम होता है, ठीक है। जैसे कि आप इसके अंदर पढ़ते हो DNA रेप्लिकेशन के अंदर कि सबसे बाद में आपका DNA पॉलीमरेज आता है, DNA पॉलीमरेज को तब बोला जाता है जब उसके पहले वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन्होंने वहां पे कुछ एनवायरमेंट क्रिएट ना कर लिया हो। तो जब प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि प्राइमेस मौजूद है, RNA प्राइमर वो आपका सिंथेसाइज कर लेगा, तब उसके बाद में आपका DNA पॉलीमरेज को रिक्रूट किया जाता है। वरना अगर आप पहले DNA पॉलीमरेज को रिक्रूट कर लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर RNA प्राइमेस आएगा आपका, सॉरी DNA प्राइमेस आएगा, फिर वो प्राइमर को जोड़ेगा, उसके बाद में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं होगा, सिस्टमेटिकली वे में चीजें चलती है, तो वही इसके अंदर दिया हुआ है। The presence of C11 and its interaction with the C11, C37 and C53 complex also regulates the timing and efficiency of transcription termination. तो ये सही टाइमिंग पे चलेगा और एफिशियंसी जो है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की वो बढ़ जाएगी C11 की वजह से। This regulatory role is critical for maintaining proper gene expression levels and preventing aberrant transcription. ठीक है, तो faulty transcription termination जो है ये नहीं होगा, premature transcription termination भी नहीं होगा, तो ये रेगुलेटेड प्रोसेस है। अभी ये ईस्ट वाला जो है ये जो है इसमें गारंटी नहीं है कि ये पूछा जाएगा या नहीं, लेकिन मैं कवर कर रहा हूं, अगर याद रख सकते हो तो रख लो वरना इसको स्किप कर सकते हो। ईस्ट वाला है, ईस्ट आपका ये पता है कि आपको ये सिंगल सेल आपका यूकेरियोट होगा, फिर इसके अंदर
सॉरी, ये आपका यूकेरियोट होगा, ठीक है ना, ईस्ट। फिर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन आरएनए पॉलीमरेज 3 बाय सेन 1 हेलिकेज। सेन 1 एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए। ये जुड़ा हुआ होता है विद एनएनएस कॉम्प्लेक्स एनएलडी 1 नैप 3 एंड सेन, तो इससे हो जाएगा आपका नाम एनएनएस। तो सेन 1 जो है ये एनएलडी 1 और एनएबी 3 के साथ जुड़ा हुआ होगा इन यीस्ट व्हिच इज इन्वॉल्वड इन टर्मिनेटिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। तो मैमल्स के अंदर C11, 37 और 53 देखा था, वैसे ईस्ट के अंदर कौन सा है, एनएनएस कॉम्प्लेक्स। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज 3 रिकॉग्नाइज अ टर्मिनेशन सिग्नल इन द आरएनए सीक्वेंस फॉर पॉलीमरेज 3, दिस सिग्नल टिपिकली इन्वॉल्व स्ट्रेच ऑफ यूरिडिन्स इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर यूरिडिन्स बहुत सारे पॉलीयूरासिल्स रेसिड्यूज देखने को आपको मिलेंगे। इससे आरएनए पॉलीमरेज 3 को यह पता चल जाता है कि भाई यूरासिल आ चुके हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर, तो अभी टर्मिनेशन होना चाहिए। एज आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्ट टू द टर्मिनेशन सिग्नल, सेन 1 हेलिकेज रिक्रूट किया जाएगा टू द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। तो जो आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट पे जो यू बन रहे थे इस तरीके से, ये आपका 3 प्राइम पे होगा, ये है आपका ट्रांसक्रिप्ट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। जैसे ही ये चीज हो रही होगी आपके सेन 1 हेलिकेज को बुलाया जाएगा एंड रिक्रूटेड टू योर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। तो अगर मैं इस तरीके से सेन 1 दिखा दूं, सेन 1 विल हेल्प टू रिजॉल्व द आरएनए डीएनए हाइब्रिड एंड आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो अभी ये जो आपका आरएनए है ये तो अभी रिलीज नहीं हुआ है फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज ने इस तरीके से इसको ट्रांसक्रिप्ट किया है। और ऊपर की तरफ आपका कौन होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसका मैं सिर्फ अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड ड्रॉ कर रहा हूं 3' टू 5', ठीक है। इसके अंदर क्या होगा फिर, एडिनिन के रेसिड्यूज होंगे इस तरीके से, क्योंकि एडिनिन का ही जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री करूंगा तो 5' टू 3' मेरा यूरासिल आ जाए। तो ये ऊपर वाला है मेरा टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। नॉन टेम्पलेट भी होगा 5' टू 3', लेकिन वो मैं इसके अंदर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो यहाँ पे होता यह है कि हमको ये पता है कि एडिनिन और यूरासिल जो है इस तरीके से बेस पेयरिंग करते हैं, और यही आपका जो होता है ये आपका होता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड, जो कि हमने आरएनए पॉलीमरेज 2 के ट्रांसक्रिप्शन में भी देखा था, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी देखा था शुरुआत में। तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड जो है इस तरीके का होगा। अभी ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड से उसको तोड़ना चाहिए, कौन तोड़ेगा, सेन 1, क्योंकि सेन 1 के पास हेलिकेस एक्टिविटी, हेलिकेस एक्टिविटी क्या करेगा आपका अनवाइंड करता है डीएनए को। तो ये क्या करेगा, जो ये एडिनिन के रेसिड्यूज जो है ये यूरासिल के साथ इस तरीके से बेस पेयरिंग करके आपका आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना लिए है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये तोड़ेगा, जिससे आपका टेम्पलेट डीएनए और हाइब्रिड, सॉरी टेम्पलेट डीएनए और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ये अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद आपका जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ये निकल जाएगा। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट निकलने के बाद कंफर्मेशनल चेंज आएगा आरएनए पॉलीमरेज 3 के अंदर, और आरएनए पॉलीमरेज 3 भी निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है इट इज ऑब्जर्व दैट ये कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी ले लेता है इस तरीके से, जो फोल्डिंग है वो आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कैन फोल्ड। इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं आरएनए का, तो ये बेस पेयरिंग कर सकता है। तो अगर बेस पेयरिंग कर जाता है ये, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये अटक जाएगा ऐसे भी, और अटकने की वजह से हो सकता है कि ये अंदर की तरफ इस तरीके से टाई हो चुका है आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट और वो अटक चुका है, जिसकी वजह से अभी आपका जो टेम्पलेट डीएनए है और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो भी अलग नहीं हो पा रहे, डिसोशिएट नहीं हो पा रहे, और ना ही आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट डिसोशिएट हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनके वो आपका फंस चुका है उसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका सेन 1 आएगा और वो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिजोल्व करेगा। तो और क्या दिया है, सेन 1 विल अनवाइंड द आरएनए डीएनए हाइब्रिड अलाउइंग द नेसेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम कॉम्प्लेक्स। दिस अनवाइंडिंग एक्टिविटी इज क्रिटिकल
और क्रूशियल फॉर द एफिशियंट रिलीज ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये हमने देख लिया। सेन वन कोऑर्डिनेट करता है विद अदर फैक्टर्स, तो एनएनएस कॉम्प्लेक्स में जो आपका एनआरडी वन है और नैप थ्री है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और पोटेंशियली अदर टर्मिनेशन फैक्टर टू एंश्योर प्रॉपर टर्मिनेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थ्री ट्रांसक्रिप्शन। द एनएनएस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो प्ले रोल इन आरएनए प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसका मतलब सही प्रोसेस्ड आरएनए ही आगे भेज दिया जाएगा या फिर उसको मैच्योर आरएनए हम बोलेंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल की कोई आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट के अंदर डिफेक्ट तो नहीं है, बहुत सारे पॉलीयूरासिल रेसिड्यूज तो नहीं आ गए या बहुत कम पॉलीयूरासिल के रेसिड्यूज तो नहीं आ गए, तो ये क्वालिटी कंट्रोल चेक भी किया जाएगा बाय दिस नैब वन सॉरी नैब थ्री एंड एनआरडी वन प्रोटीन्स अलॉन्ग विद सेन वन। और सिर्फ मैच्योर्ड करेक्टली मैच्योर्ड नॉन कोडिंग आरएनए जो है उनको आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है इसके अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स होने के यही आपके एडवांटेजेस है कि ठीक तरीके से चेक किया जाएगा, तो वो प्रूफ रीडिंग जो है बार बार चेक किया जाएगा कि भाई चीजें ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि हमने इसके अंदर डिस्कस किया था C11, C37 और 53 के अंदर कि वो चेक कर रहे हैं, दो बार चेक किया जाएगा कि सही चीज हो रही है या नहीं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के अंदर। वैसे ही अगर सेन वन से कुछ गलती हो जाती है तो उसके साथीदार है एनआरडी वन और नैप थ्री टू चेक एंड क्वालिटी कंट्रोल कि सब चीजें परफेक्टली हुआ है या नहीं या कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो फिर वो जो आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उसको डिग्रेड किया जाएगा बाय न्यूक्लियसेस, ठीक है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है, या फिर आपके जो न्यूक्लियसेस है ये आपके न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं और साइटोप्लाज्मिक वाले भी होते हैं। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन आपका न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है तो आपका वो जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के अंदर हो गए और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियसेस है वो खराब वाले आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को डिग्रेड कर देगी और फ्रेश आपका ट्रांसक्रिप्शन चलेगा फिर। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये पूरी गारंटी है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज 3 के अगर नए क्वेश्चन आते हैं तो आप वो आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये लेक्चर है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर डिस्कस किए। मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत कम लोगों ने सपोर्ट दिया है और आप भी देख सकते हैं कि कंटेंट अपना किस लेवल का है और किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए ताकि बाकी बच्चों तक भी ये क्वालिटी लेक्चर्स पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मुझे उतनी प्रेरणा मिलेगी कि अगले जो लेक्चर से और शानदार तरीके से मैं बना पाऊं, ठीक है, क्योंकि ये टाइप के लेक्चर्स बनाने को बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 का कंटेंट डिजाइन करने के लिए मुझे 2.5 दिन लग गए, ठीक है, तो पूरा टोटल तो अगर कोई एवरेज लेक्चर होता है तो 10-12 घंटे चले जाते हैं इंक्लूडिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइपिंग एंड ऑल, ठीक है। तो सिर्फ मुझे सपोर्ट चाहिए तो मैं इस तरीके के लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।